हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके लिए लाई हूँ फिर से एक नई रेसिपी। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेम का भरता। शायद आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, या सुना भी होगा तो जितने चटपटे तरीके से इसे मैंने बनाया है वो नहीं सुना होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमने ली हैं 250 ग्राम सेम की फलियाँ। फ्रेश सेम की फली हैं, विंटर सीजन में बहुत आसानी से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इस तरीके से कट करूंगी। आप देख रहे हैं कट करने में इसमें रेशे निकल रहे हैं, तो जब आप इसे कट करें तो पॉसिबल अगर हो तो जितने भी रेशे निकले उन्हें निकाल दें, वरना वो भरते में टेस्ट ख़राब करते हैं। इस तरीके से मैं इनके पीसेस कर लूँगी। सारी फलियों को मैं इसी तरीके से काट लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेम का भरता बहुत ही आसान तरीके से बनता है, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप अगर इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैं बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी बनेगा, और बिना भूख के भी शायद आप 2-3 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने कट कर लिया है, सारी फलियाँ कट हो चुकी हैं, इनके रेशे भी निकल चुके हैं। अब मैं इसको करूँगी बॉयल। बहुत हल्का बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको ओवरकुक नहीं करना है वरना भरता अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने इसको एक स्टील के बर्तन में लिया है और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक। इस तरीके से अब डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अब इसे मैं रख दूंगी गैस पर और मीडियम फ्लेम में मैं इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। 2-3 मिनट तक मुझे इसे बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है। इसे ढक देते हैं तो ये बॉईल होता रहेगा। भरते के लिए और जो सामान हमें चाहिए, चलिए उसे तैयार कर लेते हैं। तो भरते के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये ली है मैंने यहाँ पर हरी धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इनका मुझे एक कोर्स पेस्ट बनाना है। इन्हें मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी और एक कोर्स सा पेस्ट बना लूँगी इसका। पेस्ट को दरदरा रखेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरीके से आप चाहें तो हरी मिर्च और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, आप जैसा फ्लेवर पसंद करते हो। आप चाहें तो इसमें ड्राई जो पुदीना आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ की है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है और ये हमारा जो पेस्ट है ये तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा इसमें स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फील हो रहा है। तो हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है घर में कि हमारा सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है, दाल खाने का मन नहीं होता है, तो जब भी ऐसा मन ना हो तो ये भरता ज़रूर ट्राई करेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए हमारा ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारी जो फली हैं वो भी बॉयल हो चुकी हैं। तो ये देखिए ये गर्म है अभी, तो अभी हमें इन्हें स्क्वीज़ नहीं करना है, इनका पानी नहीं निचोड़ना है क्योंकि ये गर्म है और हाथ जल सकता है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी फलियां अब ठंडी हो चुकी हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, ओवरकुक भी नहीं हुई हैं। तो अब हम इनका जो पानी है वो स्क्वीज़ कर लेते हैं, यानी इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने इसे पानी को निचोड़ लिया है और इस तरीके से हमने इसको प्लेट में डाल लिया है। अब हम भरते के लिए और जो हमें सामान चाहिए वो हम इसमें डालेंगे। हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, जिसे डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी नमक। और इसमें मैं 1/2 लेमन जूस डालूंगी, रेड चिली पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ग्रीन चिली ऑलरेडी हमने डाल दी है।
तो और यहाँ पे हमने नींबू का रस डाल दिया है। और जो सबसे मस्त यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस भरते में है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और भरते में एक अलग ही फ्लेवर लेकर आता है। तो हम इसमें डालेंगे 1 फुल स्पून मस्टर्ड ऑयल और अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है पूरे भरते को। तो ये देखिए भरता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसे करते हैं सर्व। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहला काम आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को करना है लाइक और शेयर और साथ ही देने हैं अच्छे अच्छे से कमेंट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो ये देखिए हमारा भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे सर्व करिए गर्मा गर्म रोटियों के साथ। और मैंने कहा ना, मैं गारंटी लेती हूँ कि बिना भूख के भी आप एक दो रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।